छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज राजनांदगांव के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले सर्किट हाउस पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया, फिर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के आला अधिकारियों की बैठक लिया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। साथ ही गृह मंत्री आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के आला अधिकारियों की बैठक ली। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 3000 से अधिक पुलिस की भर्ती की जाएगी और पुलिस की छवि सुधारने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यहां समीक्षा में भी विकास कार्यों की रूपरेखा और जिले में विकास कार्यों की स्थिति को लेकर यह बैठक का आयोजन किया गया था। योजनाओं की स्थिति और विकास कार्यों को लेकर गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। विभागों की समीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय में जाके कर रहा हूँ। जिस दिन समय मिल जाता है, कुछ जगह जिलों में हो गया है, आकर के अपने सभी अधिकारियों को बुला के पुलिस विभाग और PWD की समीक्षा करता हूँ। कौन सा काम चल रहा है, कौन सा अधूरा है, तो क्यों अधूरा है, नई योजना क्या है, जनता क्या चाहती है, हम उनके विश्वास पर खरा कैसे उतरें, पुलिस विभाग की छवि कैसे सुधरे, PWD विभाग के काम काज उसमें और तंदुरुस्त चुस्ती कैसे लाई जाए, इन बातों की सब समीक्षा करते हैं। हमारा बजट कितना है, शहर की आवश्यकता क्या है, जिले की भविष्य में बजट कैसे बनाया जाए, हम अपने कार्य संस्कृति में बदलाव कैसे करें ताकि लोग विभाग को अच्छा कहें, मन से आए, प्रसन्नता से आए अपना काम कराने के लिए, तो हम अपनी कार्य संस्कृति में भी बदलाव कितना कैसे करें, तमाम बातों पर चर्चा करता हूँ, समीक्षाएँ होती हैं। अभी 3500 हम लोग आरक्षक भर्ती करने वाले हैं, निकालना चाहते थे, पर कोई भी आदमी छोटे से चीज़ के लिए कोर्ट चला जाता है, उसमें विलंब हो जाता है। 3500 हम लोग पुलिस भर्ती करेंगे, लगभग 800-900 नगर सेना में भर्ती करेंगे, तो कोशिश करेंगे ये पुलिस बल की कमी दूर हो जाएगी। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN 24। रायगढ़ जिले में एक बार फिर डेंगू का